प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने हमें उसके योग्य बनाया कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे दूसरा और कोई नाम नहीं है जो हमें बचा सके, हमारा उद्धार कर सके, जो हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है। ऐसा यीशु के नाम, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। Yeshua, Yeshua,
और कोई नाम नहीं है यीशु के सिवा जो मनुष्य का उद्धार कर सके, जो सारे बंधन को तोड़ सके, जो आजाद कर सके, जो चंगाई दे सके। हालेलुया, वही आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया, उसकी जय जयकार करें जो कृपालु और दयालु है। हालेलुया, विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निदान परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Prabhu ki stuti, uski aaradhana kare, mil kar uski prashansa kare. Hallelujah. आज कल और
होता है, हर एक गुनाह को तू क्षमा करने वाला प्रभु है। तू महान है प्रभु, तू ही अद्भुत है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। विश्वास है तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, तू प्रभु विश्वास है, तू अधर्म होता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, हमारे हरे गुनाहों को तू क्षमा करता है, सारे अधर्म को धोता है प्रभु, तू ही हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन, मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु ने मुझे कहा मैं तुम्हारे संग संग संसार के अंत तक साथ रहने वाला प्रभु। जब मैंने सोचा अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंतक साथ रहने वाला मैं तेरे पास हूँ, संसार के अंतक साथ रहने वाला मैं तेरे पास हूँ। प्रभु तूने कहा संसार के अंतक में तुम्हारे संग, इसलिए तुम मत डरो, डांडस बांधो, हिम्मत रखो। हालेलुया, संसार को मैंने जीत लिया है। हाँ प्रभु, तू हमारे लिए जल्द आने वाला है प्रभु, इसलिए हमें आपको हमारे हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु। आप हमारे अगुवाई कीजिए सारे बातों में प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे प्रभु। हालेलुया, सारा आदर महिमा प्रभु तुझे देते हैं, बस यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम। आमेन। मसीह में मेरे भाई बहन बच्चा लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम मनन करने जा रहे हैं योना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन, और भी कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। योना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ
बाहर निकलेंगी। यीशु मसीह के सेवकाई में एकदम एक कठिन परिस्थिति में लोगों के बीच में सेवाई करते हुए लोगों की निंदा को, सारे गलत बातों को सुनने का ऐसा एक परिस्थिति को इस योहन्ना 6-7-8 में हम देख सकते हैं। ऐसा उनके जीवन में एक कठिन परिस्थिति है, लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, लोग उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्थिति में एकदम उनके लिए एक कठिन समय में भी यीशु मसीह के अंदर से ऐसे एक अच्छे से अच्छे एक वाक्य आया है, तो समझ लीजिए कितने अच्छे चीज़ों से भरा हुआ है। यीशु मसीह को कितने भी लोग करने से भी उनके अंदर से हमेशा अच्छे ही बात आता था। क्रूस पर भी हम देख रहे हैं, लोगों को क्षमा किया, लोगों को चंगाई किया, लोगों के जीवन को उद्धार किया। तो यहाँ कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बाहर निकलेंगी। ये पवित्र शास्त्र का बातें कर रहे हैं। और आगे आप पढ़ोगे तो इसमें लिख रहा है पवित्र आत्मा के बारे में, उसने ये बात बताया करके योहन्ना वहाँ पर लिख रहा है, जो मिलने वाले पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के विषय में काफ़ी सारे उदाहरण के रूप में समझा जा रहा है, जैसे पिछले हफ्ते में मनन किए कैसे आग के समान काफ़ी सारे फंक्शंस उनके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं कैसे एक पानी के जैसे, पानी के तुलना में हम करते हैं पवित्र आत्मा को, कि कैसे नदी जैसे बहाने के लिए पवित्र आत्मा आपका जीवन में आने के लिए यीशु मसीह का वायदा है, जो विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध है। विश्वास के साथ एक सरल रीति से बच्चे के समान हम अपने आप को नम्र करके इस पवित्र आत्मा की नदी से हम आशीष को पा सकते हैं। तो इस नदी के बारे में पवित्र शास्त्र में, पुराना नियम में भी काफ़ी जगह में चर्चा हुई है। खास एक भविष्यवाणी का किताब है, जिकेल का किताब, उसका 47 में इसके बारे में एक बता रहे, एक नदी के बारे में जो मंदिर के द्वार से निकलकर पूर्व की तरफ भागती है, फिर वहाँ से दाहिने तरफ मुड़कर वो दक्षिण की तरफ भागने वाला एक नदी के बारे में बता रहे हैं। तो हम उसको पढ़ते हैं। जब वह पुरुष हाथ में माप की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, तब उसने भवन से लेकर 1,000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनी तक था। उसने फिर 1,000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1,000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1,000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तो यहाँ पर एक नदी के बातें कर रहे हैं यजकेल नबी को, भविष्यवाणी के रूप में एक नदी के बारे में बता रहे हैं। पवित्र मंदिर से द्वार से निकलकर भाग रही है, ऐसे पूर्व की तरफ, बाद में दक्षिण की तरफ। वहाँ कह रहे हैं पहले तो माप की डोरी लेकर जा रहे हैं स्वर्गीय दूत, वहाँ पर 1,000 माप करते हैं। पहले बोलते टखनों तक था पानी, उसके बाद बोलते हैं घुटनों तक था, उसके बाद बोलते हैं कमर तक था, उसके बाद बोलते हैं तैरने की योग्यता, इतना गहराई था ऐसे चलकर उसको पार नहीं कर पाएगा। तो मसीह जीवन का एक तत्व है, हम पवित्र आत्मा में उनके आत्मिक जीवन में हम जाने के लिए परमेश्वर हमें गहराई में जाने के लिए बुला रहे हैं, गहराई में लेकर चल रहे हैं, वो चला रहे हैं इस नदी में ज़्यादा से ज़्यादा
आपको ले जाना चाहते हैं, केवल टखनों तक नहीं है, केवल घुटनों तक नहीं है, केवल कमर तक नहीं है, आपको तैरने तक, उस स्थान तक लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर तैरते हुए आप उस नदी का आनंद ले पाएंगे। देखिए, हमेशा कोई भी वस्तु है पानी में रहते हैं, पानी उसका वजन को ले लेती है। जैसे बड़े बड़े जहाज को देखिएगा, कितने जहाज कितने बड़े होने के बावजूद भी पानी में आराम से वो चल पाते हैं, उसके हिसाब से मनुष्य उसको बनाते हैं। मरात्मिक जीवन को परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया है, हम अपने मेहनत से नहीं, अपने सोच से, अपने विचार से नहीं, हम भागदौड़ी करके मसीह जीवन को जी नहीं पाते हैं। तो यही एक नॉर्मल एक सामान्य मसीह जीवन ऐसे ही होना चाहिए, घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तैरने के स्थान पर पूरा अपना वजन, अपना बोझ सब प्रभु पर डालकर हम उस पानी हमको थाम लेगा। पवित्र आत्मा आपको हर परिस्थिति में वो तसली देगा, आपको थाम लेगा, शक्ति देगा, सहन शक्ति देगा। कितने भी नुकसान हुए होंगे, कितने भी परेशान हो, आप बोलेंगे ब्रदर मैं सहन नहीं पा रहा हूँ, पास्टर जी मैं सहन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जिस वक्त इस नदी का पहचान लेंगे, इस नदी में अपने आप को डुबाने के लिए देंगे, इस नदी आपको हानि नहीं करेगा, आपको डुबाएगा नहीं, आपको उठा कर चलाएगा, थाम कर चलाएगा, आपके बार पानी के ऊपर चलाएगा, आपके बोझ उठा के चलने वाले पवित्र आत्मा की नदी है। पतरस कह रहा है 1 पतरस 5:7 में, तेरे बारे में उसकी चिंता है, तेरे चिंता सब उस पर डालो। फिलिप्पियों 4 में पौलुस कह रहा है, किसी भी बात की चिंता न करो, हर बातों के लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रभु को सौंप देना। ये नदी में तैर सकते हैं, अपना बोझ डाल सकते हैं, यही एक उच्च स्थान का जीवन है। दिस इज द बेस्ट लाइफ, मसीह जीवन का उच्चतम भाग इसी में है। शुरुआत में हमको लगेगा अरे बहुत मुश्किल है मसीह जीवन, अगर हम अपने शक्ति पर चलने लगते हैं, मसीह जीवन नामुमकिन है, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के भरोसा में चलने से ये मुमकिन है। पवित्र आत्मा मदद करेगा। जेकल 36 में हम वचन पढ़ते हैं, मैं मेरे विधियों को तेरे मनों में लिख दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। यहाँ पर स्वर्गदूत चला रहे हैं उस नदी में, हमें चला के लेके जाने वाले परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें दिया है। कहते वो नदी आपके अंदर से बाहर निकलेंगी, उस नदी में आप डूबते रहोगे, आपका जीवन खुशहाल मंगल हो जाएगा, आपके आपके लिए भले समस्या होगी, जैसा बड़े जहाज को देख रहे हो इसमें अंदर काफ़ी सारे सामान भर के ले जा रहे हैं, लेकिन वो सारे बोझ पानी को ऊपर आता है, पानी ले लेता है। जैसे हम सुलेमान के इतिहास में हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े लकड़ों को दूर देश से पानी से तरा कर वो अपने पास लेकर आए, इतने बड़े बड़े लकड़ियों को रोड पर लाना तो नामुमकिन था, उसने इसे नदियों से भर करा के लेकर आया है। आज आपका बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। मेरे भाई बहन बच्चे लोग, इस पवित्र नदी आपके जीवन से बह निकलेंगी, उस नदी से आप डूब जाओगे, आपका जीवन पूरा बड़ी चंगाई से रहेगा, सारे बोझ प्रभु पर डाल सकते हैं, अपना चिंता करके अपना शरीर का एक मिनट भी बढ़ा नहीं पाएंगे, शरीर का एक फुट एक इंच भी ऊंचाई को नहीं बढ़ा पाएंगे, टाइम को बढ़ा नहीं पाएंगे, बल्कि घट जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं चिंता न करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे शादी कराएंगे, कैसे ये कराएंगे, ऐसी काफ़ी सारे चिंता माँ बाप को होती है, लेकिन मसीह जीवन का ये है, मसीह मेरे लिए है, वही मेरे लिए सब कुछ करेगा।
मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पहले से तैयार किए, यहोवा यीरे परमेश्वर, इब्राहिम के लिए इसहाक के बदले में वहाँ पर जानवर तैयार किए, वही प्रभु जी यहोवा यीरे हैं। आपके लिए सब कुछ तैयार करते हैं। इस नदी में गहराई में आने के लिए डरो मत। कुछ लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, टखनों पर रुक जाते हैं, घुटने पर रह जाते हैं, कमर तक रह जाते हैं, फिर बोलते हैं बहुत मुश्किल पड़ रहा है, पार करने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आधा अपना बल पर भी आधा प्रभु पर ऐसे 50-50 जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं हसाउटा का मेरे भरोसे में आ जाना, तैरने के स्थान पर आ जाओ, सारे बोझ मुझ पर डालो, अद्भुत काम करूँगा। आज अद्भुत काम के लिए वेट कर रहे हैं, परमेश्वर के समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। सारे दरवाज़ा बंद देखें, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, आपके लिए नया द्वार खोलेगा, सब मनुष्य छोड़ देगा, परमेश्वर आपको थाम लेगा। उसका अनंत बुझा तेरा शरण स्थान है, तुझे थाम लेने वाला स्थान है, एकदम स्थिर जगह है, डगमगाना नहीं है। परम प्रधान की छाया में रहने वाले कभी डगमगाएगा नहीं, जैसे पतरस पानी पर चल रहे हैं, हर समस्या के ऊपर हम चल पाएंगे अगर हम इस पवित्र आत्मा से हालेलुया अपना जीवन को जोड़ देते हैं, इस पानी से डूब जाते हैं। इस पानी में सब कुछ चंगाई हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मसीह जीवन का महत्वपूर्ण बात यह है, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझे सिखाएगा, वही मेरी धार्मिकता, वही मेरा ज्ञान है, वही मेरा सामर्थ्य है। मसीह के साथ जुड़ गया, यही हमारा जीवन का हिस्सा है। इस पवित्र नदी का बपतिस्मा लेना है, उसमें डूबना है। किनारे में देखते हुए खड़े खड़े अरे दूसरे लोग गहराई में जा रहे हैं, जैसा मैं भी गहराई में चला जाऊंगा, मैं थोड़ा अबनॉर्मल हो जाऊंगा, दूसरे जैसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊंगा करके किनारे में खड़ा रहने वाले मेरे भाई बहन, किनारे में रह के आपका क्या फ़ायदा है? गहराई में जाने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, गहराई में जाओ, जाल डालो, गहराई में जाओ, तैरने के जगह पर जाओ, बोझ प्रभु पर डालो, अपना बोझ प्रभु पर डालो, वो संभालेगा। गहराई का अनुभव अलग है, गहराई का अनुभव अलग है। परमेश्वर आपको वहाँ पर बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा एक नदी के समान है, पवित्र आत्मा एक सोता के समान आपके अंदर से मंडते रहने वाले हैं, नदी जैसा बनने वाले हैं, वही हमें शुद्ध भी करता है। शुद्ध करता है, इज़ेकेल का किताब में 36 में 25 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ऐसा प्रभु जी कहते हैं, हमें शुद्ध करेगा। ये जल एकदम प्योर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर। पवित्र आत्मा पवित्र है, इसलिए नाम पवित्र है, एकदम शुद्ध है। वो आपकी अशुद्धता को शुद्ध करेगा, आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। वो पानी से आपका जीवन पूरा पूरा धुल जाएगा। देख रहे जेकेल का 47 में 8वीं आयत में, तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्व देश की और वह बह रहा है, अराब में उतर कर ताल की और बहेगा, यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, उसका जल मीठा हो जाएगा। देखिए ताल में जाके मिल रहा है पानी, नदी का पानी, वहाँ के पानी मीठा हो जाता है, वहाँ के पानी शुद्ध हो जाता है, मीठा हो जाते हैं, वहाँ पर जाके मिल रहा है। आज जिसके भी अंदर में ये पवित्र आत्मा की
पानी आएगा, उसका जीवन मीठा हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, एक सोता बन जाएगा, आपके अंदर से उमड़ तर आएगा, नदी बन जाएगा, आपको साफ करेगा, शुद्ध करेगा। हमें शुद्ध करने वाले हैं पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा में दिया है पवित्र करने के लिए, पवित्र होने के बाद मुझे मिलेगा ऐसा सोचकर बैठे मत रहना। पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा, पवित्र मार्ग पर चलाएगा। जैसे यहाँ लिखे ताल में मिला वो मीठा पानी हो गया, खारा पानी था, लेकिन ये जीवन जल की नदियाँ बहेगा, सोता जैसे फूट कर निकलेगा। ऐसा नहीं, हमारा देश में जहाँ पर भी कुआ डालते बोरवेल डालते हैं उसमें से पानी को पंप करके लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ यीशु जी कह रहे हैं मेरा जो सोता पानी जो है सोता बन जाएगा, अपना ही प्रशस से आने लगेगा, सारे कचरा को फेंक देगा, आपके अंदर से पवित्र आत्मा की सोता को खोलने दीजिए। जैसा इसहाक ने किया, क्या सारे कुआ मिट्टी से भर दिए थे दुश्मन लोग, उसने साफ साफ किया, सोता बहने लगा, पानी आने लगा, साफ होने लगा। साफ करने वाले नदी है। यूहन्ना 4 अध्याय में एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं, सामरी स्त्री। यीशु जी उससे बात कर रहे थे और कह रहे थे ऐसा 14 वचन में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए मंडता रहेगा। ऐसे जीवन जल की नदियाँ आपके अंदर से बाहर निकलेगा। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करना चाहते हैं, आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ सोता बन जाएगी, स्प्रिंग जैसे अपना आप से आएगा। आपको बोलने का जरूरत नहीं, भाई तुम धन्यवाद करो, स्तुति करो। जो पवित्र आत्मा को पाए थे ऊपर की कोठरी में 120 लोग अपना आप से धन्यवाद करें, स्तुति करें, गीत गा रहे हैं, नया नया भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ कर जीवन भर कभी खत्म ही नहीं होगा, उसमें से पानी आता रहेगा, पानी आता रहेगा। आज उस सोते के लिए अपना दिल को लिए परमेश्वर रखना चाहते हैं। उस सामरी स्त्री के अंदर रख दिया, उसका जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। 5 पति, 6 पति, ऐसे से कितने बार शादी करते करते उसका जीवन में संतुष्ट नहीं है, किसी के साथ जमता नहीं। ऐसे एक स्वभाव वाली पवित्र बन गए, सुसमाचार प्रचारक बन गए, सामरी गांव से कितने सारे लोग उद्धार पले, अनंत जीवन का पाया। एक पापिनी स्त्री को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूहन्ना 8 अध्याय में भी देख रहे हैं, एक स्त्री को धर्मगुरु लोग पकड़ के ला रहे हैं पत्थर मारने बनवाने के लिए, बोलते मूसा का नियम से हम इसको पत्थर मार के मार डालना चाहते हैं, उसको यीशु जी बचा रहे हैं, उसके पापों को माफ कर रहे हैं, वो भी पवित्र हो जा रही है। देखिए कितने सारे लोग हैं बाइबल में हम देख रहे हैं, अशुद्ध लोग इस नदी के पास आने से यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ इस पवित्र आत्मा उनका जीवन को पूरा बदल दिया है, छू लिया है, जीवन बदल गया है। पवित्र वचन जीवन को बदल देता है। कितने भी गंदा होंगे, जैसे हम ताल के बारे में देख रहे हैं, ताल कितने खारा पानी होंगे लेकिन वो मीठा हो जाता है, जीवन बदल जाता है। वो नदी खराब नहीं होते लेकिन नदी खराबी दुनिया को अच्छा कर देता है। आपके अंदर वो नदी चलते रहेगा, जिंदगी पूरा साफ सफाई रहेगा। परमेश्वर आपको शुद्ध जल से छिड़कना चाहते हैं, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा,
तुम शुद्ध हो जाओगे। जेकेल का 36 में बोलते हैं, नया हृदय दूंगा, मेरे आत्मा समाओगे, मेरे विधियों को लिखूंगा, मेरे रास्ता पर, मेरे राहों पर तुम्हें चलाऊंगा, पत्थर के हृदय हटाकर मांस का हृदय दूंगा। नया जीवन की बातें करें, न्यू क्रिएशन की बातें करें। न्यू क्रिएशन का मेन मुद्दा है पवित्र आत्मा के अंदर आएगा, एक सोता जैसे आएगा, नदी जैसे बनेगा, उस नदी से जिंदगी भर प्यास बुझेगा, प्यास बुझेगा। बोलते इस पानी से जो दूसरा याकूब के कुआ की बातें कर रहे हैं, उस कुआ से पीने वालों को फिर प्यास लग जाएगा, लेकिन इस नदी से, इस सोते से पीने वालों को कभी प्यासा नहीं लगेगा, हमेशा के लिए तृप्त होता रहेगा। जितनी बार पिएंगे हमारे अंदर संतुष्ट रहेगा, खालीपन नहीं है। पानी दूसरी का पानी पिएंगे, धोखा वाला खराब पानी, मीठा जैसे लगेंगे लेकिन उसमें जहर मिला रहेगा, आपका बेहोश करा देगा, आपका एडिक्शन में डाल देगा, आपको प्यास ही लग जाओगे। कितनी भी बार कितने लोगों को देख रहे हैं, कितने कितने गलत इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनके मन में हमेशा खोखलापन, हमेशा खालीपन, कुछ संतोष नहीं, आनंद नहीं है। पैसे तो है लेकिन दुनिया पूरा सड़ा हुआ है, मन पूरा खालीपन में। उसको बंद करने के लिए ड्रग एडिक्शन में वो लोग चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी आज यीशु मसीह का ये वचन लागू है, जो पानी से मैं पिलाऊंगा हमेशा के लिए सोता बन जाएगा, कभी प्यासा नहीं होंगे, कभी भूखा नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए तृप्त होते जाएंगे। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग इस पानी के पास आइए, आपको हम बुला रहे हैं, आपको पीना है पवित्र आत्मा की नदी से, उसमें आना है, उसमें डूबना है, उसमें पीना है, उसमें से शुद्ध होना है। शुद्ध करने के लिए परमेश्वर तैयार है। जीवन में कितने भी भयंकर पाप होंगे, जैसे सामरी स्त्री को देख रहे हैं, जकाई को देख रहे हैं, पतरस को भी देख रहे हैं, बोलते मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझसे चले जाना, लेकिन उसको यीशु मसीह शुद्ध किया, डरो मत, मेरे पीछे हो लेना। जब से यीशु के पीछे चल पड़ा उसका जीवन बदल गया, जकाई का जीवन बदल गया, पापिनी स्त्री का जीवन बदल गया। मरियम मगदलीन की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी। देखिए एक दुष्ट आत्मा से कितनी बुराई होती है, 7 दुष्ट आत्मा, उसका जीवन कितनी बीमारी में रहे होंगे, कितने पापों में रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह उसको पूरा पूरा शुद्ध कर लिया, शुद्ध करके उसको अपना सेवकाई में लेके आया, उसके पुनरुत्थान के संदेश को सबसे पहले उसको बताए, उसके द्वारा चले लोगों को बताएं। कभी कभी लोग इसके पौलुस के एक वचन को लेकर के हमेशा बोलते रहेंगे, लेडीज़ लोग कुछ बात ही नहीं करना, लेकिन देखो यीशु मसीह ऐसे स्त्री लोगों को इस्तेमाल किया है मेन संदेश के लिए, सुसमाचार के मेन संदेश है पुनरुत्थान का संदेश। अगर स्त्री लोग बात नहीं करेगा, ऐसे बोलेंगे, फिर तो पुनरुत्थान के संदेश भी पहुँचाया नहीं जाएगा, पहुँचता ही नहीं है चले लोगों के पास भी। परमेश्वर ने स्त्री लोगों को इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, हमें शुद्ध करके बार बार हमें शुद्ध करना चाहते हैं। पानी से पैर को धो रहा था पतरस के पैर को, बोलते प्रभु मुझे पूरा धो लीजिए, धो दीजिए। यीशु ने बोला, नहीं बेटा, जहाँ पर अशुद्धता है वहीं पर शुद्ध करना है। आज आपके जीवन उद्धार पाले होंगे, अभिषेक पाले होंगे, जीवन पूरा शुद्ध हो गया होगा, लेकिन जहाँ पर भी अशुद्धता है, जितना भी काले होंगे, कितने भी रंग के होंगे, लाल रंग के भी क्यों न होंगे, ऐसा का एक में पढ़ रहे हैं, एकदम उनके समान गर्भ के समान परमेश्वर शुद्ध करेंगे। आज आपका जीवन को शुद्ध करने का ताकत है, बाइबल में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा है, पवित्र वचन है, पवित्र लहू है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, तीनों हमारे जीवन में कार्य करता है, तीनों कार्य करता है।
तीनों में ताकत है पवित्र आत्मा से। यह क्यों ना पांच आठ में पढ़ रहे हैं, गवाही देने वाला तीन है, आत्मा और पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है, तीनों एक ही चीज जीवन को बदलने के लिए काम करता है। ऐसा नहीं एक दूसरे के विरोध में नहीं है। पवित्र लहू आपके पापों को धो देता है, पवित्र शास्त्र के वचन आपके विचारों को शुद्ध कर देता है, पवित्र आत्मा से आपका पूरा डुबा कर पूरा साफ कर देते हैं, जीवन को नया बना देते, नया आत्मा उंडेल देते। तो दोनों एक साथ काम करते सहमत है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तीनों गवाही देते, तीनों आपके लिए काम करता है, आपकी गवाही देते हैं तुम परमेश्वर की संतान हो। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन करके सातवीं आयत में पढ़ रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। वैसे ही ये तीनों पवित्र लहू पवित्र वचन पवित्र आत्मा साथ मिलकर आपका जीवन को बनाएंगे, पापों को शुद्ध करेंगे, विचारों को शुद्ध करेंगे वचन से, पापों को शुद्ध करेंगे लहू से, आपको पूरा पूरा पवित्र आत्मा से भरकर आपको पूर्ण रीति से शुद्ध करेंगे। एकदम पानी को देखिए, कहीं नदी के अंदर पानी कितने साफ दिखता है, एकदम खांच जैसे एकदम क्लियर दिखता है। उसमें जाकर कचरा डालने का किसी का मन ही नहीं होगा, उसको दूसरी चीज़ डालकर कलंकित करने के लिए आदमी 10 बार सोचेगा। इतना शुद्ध है पवित्र आत्मा, इसे एकदम साफ शुद्ध है, आपके अंदर आया है, शुद्ध करेगा शुद्ध रखेगा। पहला तस्लोनिकी में हम पढ़ रहे हैं 5 अध्याय में परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं, इसके लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। पवित्र आत्मा में पवित्र करने वाले, पवित्र आत्मा में पवित्र करेगा, पवित्र मार्ग पर चलाएगा। इस पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया हुआ है कलंकित करने के लिए, आपका जीवन को आपके आत्मा को आपके मन को गंदा करने के लिए। शैतान कोशिश कर सकता है, लेकिन आप हमेशा अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना, प्रभु जी इस पवित्र जीवन को कोई भी अशुद्धता से मैं अशुद्ध नहीं करूँगा, सावधान से रहूँगा। भजन संहिता 101 में लिख रहे, मैं सावधान से मेरे जीवन को शुद्धता में संभाल के रखूँगा। 7-8 में बोल रहे हैं, सारे कचरा को सुबह सुबह हटा दूँगा, सामने नहीं रहने दूँगा। यही आज हमें निर्णय लेना है, जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में प्रभाव डाले हैं, आपका जीवन को शुद्ध किए हैं, आगे शुद्धता में रहने के लिए आपका सहयोग पवित्र आत्मा मांगते हैं। जब भी आप अशुद्ध काम में जाते हैं वो दुखित होते हैं, आनंदित नहीं होंगे, फिर भी आपके ऊपर प्रेम के कारण उनको सहनना पड़ता है, लेकिन आप उनको दुखित ना करें। एकदम साफ शुद्ध वाटर है जिसमें कुछ भी चीज़ मिलने का मिलाना नहीं, क्योंकि इसमें आपका जीवन पूरा शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हम नामान की कहानी को देख रहे हैं पुराने नियम में, एलिशा के पास गए, एलिशा बोलते हैं यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारो। जब वो पानी में डूबने लगा, 7वीं बार ऊपर आया तो एकदम चमड़ी फ्रेश हो गया, नया हो गया, शुद्ध हो गया। यीशु मसीह आज आपको शुद्ध करना चाहते हैं। मत्ती 8 में कोढ़ी आदमी आके बोल रहे हैं, प्रभु जी आप चाहते हो तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु जी बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ, चाहते हैं आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, आपके पापों को दूर करने के लिए, आपकी अशुद्धता को हटाने के लिए। प्रभु के पास ताकत है, पवित्र आत्मा के पास ताकत है, वो ताल में मिलेगा, ताल में का पानी मीठा हो जाएगा। लिख रहे शुद्ध जल छिटकूंगा, समरणी स्त्री को शुद्ध किया, पापिनी स्त्री को शुद्ध किया, मगदलिनी मरिया मगदलिनी को शुद्ध किया। आज शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा में दिया है, पवित्र वचन में दिया है, पवित्र लहू में दिया है, शुद्ध मार्ग में जरूर हमें चलाएंगे।
आगे का जीवन कैसे होगा पास्टर जी? दुनिया तो खराब है, लेकिन इस दुनिया खराब ही होने से भी परमेश्वर आपको शुद्धता में बचा के रख सकते हैं। छोटा शामुएल के बारे में देख रहे हैं, उस समय में देश कितना गंदा हो गया, एली के बेटे लोग कितनी गंदा गंदा काम कर रहे हैं, वहाँ पर धन दशांश देने आए हैं उसको जबरदस्ती से चुरा रहे हैं, पकड़ कर चर्बी के साथ खा रहे हैं, एकदम रेठू बन गए वो लोग, एकदम घमंडी झगड़ालू लोग बन गए याजक के बेटे लोग। और इतना भी नहीं, वहाँ पर आने वाले लेडीज के साथ भी गलत व्यवहार वो लोग करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं उसी समय में, हम देख रहे हैं शमूएल के बारे में परमेश्वर में बढ़ता चला गया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, देश के लिए भविष्यद्वक्ता बन गए। पवित्र आत्मा उसके अंदर आने से कितने भी गंदा परिस्थिति आगे पीछे चारों ओर बड़े भैया लोग, वो लोग उनके लिए शमूएल के लिए वो लोग उम्र में बड़े लोग थे, एली तो बहुत 90+ था, एली के बेटे लोग भी बड़े भैया लोग होंगे शमूएल के लिए। लेकिन शमूएल उस समय में उनके पीछे नहीं गया, उनके कामों को नफरत किया, उनके कामों को देख करके दुख हुआ, पवित्र आत्मा उसको बचाया, उसमें से यूसुफ को बचाया। देखिए स्त्री आके ललचा रहती उसको, लेकिन यूसुफ के अंदर जो पवित्र आत्मा उस नदी को, उस पानी को, उस शुद्ध जल को व्यभिचार की अशुद्धता से अशुद्ध होने नहीं दिया, परमेश्वर मदद किया। बाद में हम देख रहे हैं अगर वो अशुद्ध किया होता किसी का फायदा नहीं होती, इवन वो स्त्री को भी फायदा नहीं, यूसुफ को भी फायदा नहीं, कितनी धोखा हो जाता है उस स्त्री का हस्बैंड के लिए, कितना धोखा होता है। लेकिन देखिए आखिरी में प्रभु ने क्या किया, उस यूसुफ को साफ शुद्ध रहने के लिए मदद किया, उसके द्वारा देश को आशीष किया, काफ़ी सारे देशों को आशीष किया। और इतना भी नहीं, हम इतिहास में हम पढ़ते हैं वही स्त्री जो बूढ़ी हो गई उस समय में यूसुफ के पास मदद के लिए आई थी। एक ज़माने में यूसुफ फिरौन बन गया था, वहाँ पर बहुत सीनियर होने के कारण फिरौन जैसे वहाँ पर देश चला रहे थे, उस समय वो स्त्री आकर के उनके लिए कुछ कारण के लिए प्रॉब्लम के लिए आए, यूसुफ ने उनको भी मदद किया करके कई इतिहास वाला में पढ़ रहे हैं। देखिए अगर अशुद्धता के लिए जगह दिया होता किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन शुद्धता में रहने से सबके लिए भलाई होती है। आज मेरे भाई बहन अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र मार्ग पर हमें चलाएगा, अशुद्ध करने वाले लोगों से हमें बचा के रखेगा। हम निर्णय लेना है। भजन संहिता में हम पढ़ रहे हैं 63:25 में आसाफ लिख रहे हैं, मैंने मेरे हाथों को धोकर शुद्ध किया, मेरे हाथों में अशुद्धता नहीं है। मतलब हमारे कामों में अशुद्धता नहीं होना चाहिए, सोच विचार में नहीं होना चाहिए, बोलने में नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करना चाहते हैं, हमारे अंदर जीवन जल की नदियां बाहर निकल रहा है, तो होठों को हम शुद्ध जल पहना चाहिए। याकूब 3 अध्याय में लिख रहा है, क्या एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी दोनों आएगा क्या? आज हमारे अंदर मीठा पानी मतलब पवित्र आत्मा की नदी हमारे होठों से बहना चाहिए, स्तुति धन्यवाद बहना चाहिए, शिकायत नहीं है, कंप्लेन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, एक दूसरे को कंपेयर करके झगड़ा फैलाने वाले बात नहीं है, एकदम प्रेम की बात आनी चाहिए। हमारे अंदर मीठा पानी, हमारे अंदर अच्छा पानी है, शुद्ध जल से हमें शुद्ध किया, इस नदी से हम बपतिस्मा लिए, इस नदी में हम डूब गए, इस नदी में से शुद्ध हो गए, शुद्ध हमेशा हमारे अंदर से हमारा जीवन भर। ये प्रभु का दास गीत लिखा था तमिल भाषा में, मेरे जीवन के हर कोने में पवित्र का छाप लगाइए प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे चलाइए,
जैसे पुराने नियम देख रहे हैं मंदिर के हर चीज़ों के ऊपर, गंडियों के ऊपर, घोड़े की गंडियों पर भी, हर बर्तनों पर, हर सामानों पर, प्रभु के लिए पवित्र, प्रभु के लिए पवित्र, प्रभु के लिए अलग किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, दूसरे सामान्य काम में आएगा नहीं। आज हमारे लिए, हमारे भाई बहन बच्चों के लिए, हमारा सारे लोगों के लिए प्रभु का इच्छा ये है हम पवित्र रहें, शुद्ध रहें, पवित्र आत्मा का नदी को लिए हुए हम फिर रहे हैं, पवित्र पानी लोगों को साफ कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। इस पानी को हम लेके घूम रहे हैं तो उसको हम खराब न करने दें, उसको हम मिट्टी से न भर दें, जैसे इस आग की कुआ के दुश्मन लोग भर दिए थे। हमारा सोता हमेशा मुड़ता रहे, सोता हमेशा खुला हुआ रहे, बंद किया हुआ न रहे। कुछ लोग बोलेंगे हम पवित्र आत्मा पाए थे 50 साल पहले, अभी सब पानी बंद हो गया, अभी कुछ नहीं, आराधना नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं, स्तुति नहीं, शिकायत हो रही है, कंप्लेंट हो रहे है, स्तुति रूपी बलिदान मुंह से नहीं निकल रहे, अच्छे फल नहीं निकल रहे। लेकिन पवित्र आत्मा से अच्छे फल आता है, नौ तरफ की वरदान होती है, नौ तरफ के फल होते हैं, पवित्र आत्मा से ऐसे ऐसे फल उत्पन्न होती हैं। ये भी हम देख रहे हैं। तीसरी बात है, पवित्र आत्मा से जीवन प्रदान करता है, पवित्र आत्मा से जीवन होती है। इसलिए तो यीशु ने कहा मेरे पर विश्वास करने वाले उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बाहर निकलेंगी। जीवन है इसमें, इस पानी में जीवन है। एक दो थाम कर चलाएगा, एक दो शुद्ध करेगा, एक दो प्यास बुझाएगा, और लिख रहे नया जीवन देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर नया जीवन को प्रदान करता है, पुराना जीवन नहीं, सड़ा हुआ जीवन नहीं, एकदम फ्रेश लाइफ है, नया से, नए सिरे से जीवन, नए सिरे से नई सृष्टि। यही जिंदगी भर की हमारा हिस्सा है। हर दिन हमारे अंदर से मंडत रहेगा, हर दिन बहते रहेगी स्वर्ग तक, अनंत जीवन तक। यीशु ने कहा अनंत जीवन तक। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय में भी, बाइबल के आखिरी किताब में आखिरी अध्याय में वचन को हम पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा वचन। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। देखिए झलक रहे, एकदम प्योर साफ क्रिस्टल क्लियर, कांच जैसे लग रहा है, बिल्लौर जैसे लग रहा है। स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर पवित्र सिंहासन से, जैसे यजकेल का 47 में मंदिर से निकल आ रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन से निकल आ रहे हैं पवित्र आत्मा की नदी। लिख रहे जीवन जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। प्रभु के सिंहासन से पवित्र आत्मा की नदी, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर दोनों के सिंहासन के वहाँ से नगर के सड़क पर वो नदी बहती है। पवित्र आत्मा की बातें कर रहे हैं, स्वर्ग में भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवन जल की नदी बनकर रहता है, हमारे लिए प्यास बुझाने वाले। और लिख रहे हैं और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। देखिए कितने अच्छे बात है, वहाँ पर जीवन के पेड़ है, जीवन का पेड़। इंसान जब पाप नहीं किया होता, जीवन का पेड़ उसको खाने के लिए परमेश्वर देता था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिए। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, उस जीवन का पेड़ के लिए हम अधिकारी हो जाते हैं, जीवन जल की नदी हमारा जीवन में बहने लगता है। 12 महीने हर महीने नया नया फल, नया नया पत्ता, नया नया फल, अलग अलग तरीके से वरदान, आत्मिक फल, आत्मिक वरदान काम करने लगेगा। पेड़ों के पत्तों से भी बीमारी चंगे हो जाते हैं,
कितना जीवन है, देखो पत्ता में भी स्वर्ग का सामर्थ्य है। आज मसीह जीवन में पवित्र आत्मा से जुड़े हुए मेरे भाई बहन, आपका जीवन के हर भाग में पवित्र आत्मा कार्य कर सकते हैं, जीवन का पेड़ के समान आपको बना सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगाए हुए हैं, सूखापन की जगह में भी आप होंगे, लेकिन परमेश्वर के पानी आपको हरा भरा रखेगा। चारों तरफ सूखापन में भी आपके अंदर पानी रहेगा। जैसे जिरेमिया का किताब में बोल रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करने वाले ऐसे हरा भरा पेड़ के समान रहेगा, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा, उसका फल कभी भी नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, कभी भी मिस नहीं होगा, हर पार फलता रहेगा। भजन संहिता एक में भी देख रहे हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले पानी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान रहेंगे, हरा भरा रहेंगे, पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। यही नदी आपके जीवन में चंगाई को लाएगा, शुद्ध करेगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। ये चीज़ों को हम यजकेल का किताब में भी देख रहे हैं, तो नदी के बातें कर रहे हैं 47 अध्याय में 9-10 में, और जहाँ ये नदी बहें, जहाँ जहाँ हुई यजकेल का 47:9-10 में हम पढ़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं अंडे देने वाला जीव जंतु जिएंगे, मछलियाँ भी बहुत से हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, जीव जंतु जिएंगे, जीवन देने वाला जल यहाँ पर भी नदी जाएगा, पेड़ पौधा उत्पन्न होगी, जीव जंतु पीने के लिए पानी मिलेगा, जीवन मिलेगा। बहुत सारा मछलियाँ भी उसमें तैरते रहेंगे, लिख रहे हैं, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मिटा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब वस्तु जिएंगे, सब वस्तु जिएंगे, सबको जीवन प्रदान कर सकते हैं, सबको शुद्ध कर सकते हैं, सबका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में सब सॉल्यूशन मिलेगा, सब मरे हुए जीवन, मरे हुए चीज़ों पर जीवन लेकर आए। अब देखो जब भी कोई रेगिस्तान होते हैं, पानी नहीं है काफ़ी सालों से, एकदम जमीन खड़क फुटपाट दरार दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी बारिश हो जावे, क्या होते है, सारे मिट्टी नरम हो जाते हैं, एकदम घास आने लगते, पेड़ पौधा आने लगते, हरा भरा हो जाते हैं, फिर मैदान की फूलों दिखाई देते हैं और भेड़ बकरियां चराने वाले वहां मिल जाते, एकदम मंगल हो जाते हैं, जंगल मंगल में बदल जाता, हरा भरा में हो जाता है। पानी एक जगह को जीवन देता है। हमेशा आप देखो कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी शहरों को देखो, ऐसे ऐसी जगह पर लोग बसने लगते थे, शहरों को, इवन सूरत शहर को भी देखो, काफ़ी नदी के दोनों बाजू में लगे हुए हैं, लोग नदियों के आसपास में जा कर के अपना बसने के लिए स्थान बनाए, पानी के कमी नहीं होना चाहिए करके वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाता है, काफ़ी सारे बातें होने लगते हैं, मछलियाँ मिलते हैं लोगों के लिए और पेड़ पौधा के लिए पानियाँ मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सूखापन नहीं रहता। लिख रहे यहाँ पर 10वीं आयत में, ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे और यनगदी में से लेकर इनगलोन तक वे जाल फैलाए जाएंगे। देखो पूरा किनारे में सब जगह में मछली मिल रहा है लोगों को, और उन्हें महासागर की सी बांधी बांधी की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। जैसे महासागर में मिल रहा है काफ़ी सारे मछली, वैसे यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यही यीशु जी पत्रस से बोलते थे, तुम मछली पकड़ रहे हो लेकिन मैं तुम्हें
मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, काफ़ी सारे मछलियों को इस नदी में से उसने पकड़ा। पवित्र आत्मा के बारिश के द्वारा 3,000-5,000 मछलियों को जिंदा पकड़ा, प्रभु के राज्य के लिए, मारने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए। आज मेरे भाई बहन बच्चों लोग, नदी के दोनों पार में लोग खड़े हैं मछली पकड़ने के लिए। इस नदी में जीवन है, इस नदी में शांति है, चंगाई है। इस नदी जहाँ पर भी जाएगा जीव जंतु जिंदा रहेगा, जीवन मिलेगा। समरण स्त्री को जीवन मिल गया, जकई को जीवन मिल गया, जीवन शुद्ध हो गया, नया हो गया। यीशु जी कहते हैं मेरे पर विश्वास करने वाले उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगे, अनंत जीवन तक घुमंडता रहे। जयकल भी देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में भी हम देख रहे हैं, यही चीज पाया जाता है। परमेश्वर का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर बहने लगता है, वही अद्भुत काम करता है। पवित्र आत्मा का जो जो लोग मना करते हैं वो लोग अपना जीवन में अद्भुत काम को अनुभव नहीं कर पाते, दान वरदान को तुच्छ गिनते हैं, उस पानी बहने नहीं देते, सूखापन में रह जाते हैं, फिर प्रभु को दोष लगाते। आज आपका जीवन के हर सूखा इलाका में नदी बहने दो, उसको हरा भरा करने दो, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा, हर फलवंत हो जाएगा, प्रभु की महिमा होगी। हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए है, पवित्र आत्मा हमें धाम कर चलाएगा, पवित्र आत्मा शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा हमें जीवन प्रदान करेगा, जीवन जल की नदियां बाहर निकले, सोता बन जाएगा। किसी को धक्का देने का जरूरत नहीं, प्रभु का प्रेम आपको धक्का देगा। अंदर से सोता खोलना चाहिए, मिट्टी से उसको बंद करके नहीं रखना चाहिए। अपने आप से आपके अंदर से स्तुति गीत आएगा, नए नए गीत आएगा, नया नया वचन आएगा, नया प्रकटीकरण मिलेगा। एकदम शुद्ध जल की नदी से स्नान ले लीजिए, उस शुद्ध जल की नदी साफ करने दीजिए, शुद्ध जल से आपका जीवन में नया जीवन प्रदान होने दीजिए। पुराना बातों को छोड़ करके नए बन जाइए, परमेश्वर आपको नया बनना चाहते हैं। आज उस पानी से आपको धोना चाहते हैं, पतरस को धोया था, आज आपको धोना चाहते हैं, आपको जीवन प्रदान करना चाहते हैं। जैसे ही समरी स्त्री को जीवन प्रदान किया, आज आपके अंदर से प्यास बुझाना चाहते हैं, अनंत जीवन तक आपके लिए सोता खोलना चाहते हैं, जीवन का झरना है पवित्र आत्मा, उसको हम बहने दीजिए। जीवन भर उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का इस मधुर वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा भाई बहन बच्चे लोग जो भी आज निराश में, उदास में है, सूखापन महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर एक नया जीवन आए, नया प्रकटीकरण मिले, ताज़ापन आए, नया सामर्थ्य मिले, एकदम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आपके ऊपर भरोसा में जीवन व्यतीत करें। इस पवित्र आत्मा के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जिंदगी भर हमें पवित्र मार्ग पर चलाइए, जब तक हम उस पार आपके पास नहीं आ जाए, उस समय तक प्रभु जी आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हर दान वरदान को कार्य में लाने के लिए, हर फलों को हमारे जीवन में प्रभु जी प्रकट कराने के लिए, मेरे लिए मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कीजिए। हमारा कलिसिया में हर तरफ की दान वरदान कार्य करना, भविष्यवाणी का वरदान, ज्ञान के वरदान, बुद्धि के वरदान, आत्मा परखने वाले वरदान, चंगाई का वरदान, अलग अलग तरह का विश्वास, अन्य भाषा का अनुवाद करना, हर एक वरदान कार्य करे प्रभु जी। कलिसिया हरा भरा रहे, कलिसिया फलों से भरे रहे, आपके आगमन के लिए तैयार रहे। हर एक हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा कार्य किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन।
हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।